क्या करोगे तुम क्या करोगे? तुम्हारी लड़ाई कोई तो भी और लड़ेगा, यही तुम चाहते हो? मेरी लड़ाई कोई तो भी और लड़े? भाई नहीं लड़ेगा कोई तेरी जिंदगी का लड़ाई, अगर तू नहीं लड़ेगा तो भाई कोई नहीं लड़ने वाला है, क्योंकि वो सोच रहा है कि वो लड़ाई उसकी लड़ाई तू लड़ेगा। और कल मुझे फोन आया था, डॉक्टर साहब क्या करे क्या करे क्या करे, 2.5 साल से समझा रहा हूँ क्या करे, और आज भी आके मेरे को सवाल पूछते हो कि क्या करे। तुम्हारे कर्मा तुम देख लो, तुमको मैं कुछ भी गाइड नहीं कर सकता हूँ। मैं हिंट दिए थे, समझदार को इशारा काफ़ी, तुमको तुम्हारे समझदार इशारे नहीं समझे, तुम तुम्हारे थॉट्स के ऊपर तुम्हारे कर्माज नहीं कर पाए, तुम्हारा कर्मा तुम्हारा डिस्टिनेशन डिसाइड कर लेगा, उसमें मैं इंटरफियर नहीं कर सकता हूँ। तुम तुम्हारे कर्मा देख लो, हम उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। मैं पहले बोल देता हूँ, किसी को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे होता है, यही धर्म है, कर्म ही धर्म है, आगे कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई ये कुछ नहीं है, इसको धर्म कर्म ही धर्म है। तुम तुम्हारा कर्मा करो, तुम तुम्हारा धर्म कर लोगे। धर्म क्या है? इस जीवन चक्र से मुक्ति का मार्ग ही धर्म है। और तुम लोगों को राम मंदिर, ये मंदिर वो मंदिर, ये मस्जिद वो मस्जिद, ये चर्च वो चर्च, इसमें बहका के रखा। असली मुक्ति क्या है, असली धर्म क्या है, इससे परे रखा। और सबसे बड़ा गुनहगार किसको मानता हूं मैं, तो वो है धर्म गुरु। जितने भी धर्मों के जितने भी धर्म गुरु है, इन लोगों ने अपने धर्मों के गुरुद्वारे मंदिरें चर्चेस मस्जिदें इनको बढ़ाने में चक्कर में धर्म बताया नहीं, धर्म सिखाया नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना, खुद को उस तुम्हारी आत्मिक जो सोर्स है, जो लाइट है, उसको उस परमात्मा से कनेक्ट करना, यही धर्म है। फिर इस धर्म में क्या करना चाहिए, अहिंसा चाहिए, परम धर्म चाहिए, प्यार करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यही चीज़ें के रास्तों पे जो गाइडलाइन दी गई है। जैसे कार है, ये कार चल रहा हूँ तो कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना चाहिए, जो लेन बताई गई है उसी लेन में गाड़ी चलनी चाहिए। अब देखो जो अपनी लेन में गाड़ी नहीं चला रहे बेवकूफ, उन्होंने पूरा ट्रैफिक जाम कर डाला है। तो यही चीज है, जो अपना मैनुअल अच्छे से नहीं पढ़ते, ये प्रॉब्लम होता है। तो यही चीज है, जो धर्म अच्छे से नहीं, धर्म रहेगा बाजू में मंदिर में 4 बार घंटी बजाना है। भाई मंदिर में अगर भगवान होता, मुहूर्त में अगर भगवान होता, कई सारे संत बोल गए हैं पत्थर में भगवान नहीं मिलता है, इंसान में भगवान है। कई सारे गाड़गे महाराज बोल गए, तुकाराम महाराज बोल गए, कई सारे संत बोल गए, ज्ञानेश्वर महाराज बोल गए। ये चीजें भटक गए तुम लोग, और ये चीजों पे भी बात नहीं करता है। और इन चीजों पे मैंने बात की, गॉड जिनके बारे में बात की, जिनको समझा उनको समझा, जिनको नहीं समझा जाके परे टीके लगवा लिए, धर्म भ्रष्ट कर लिए है, कोई धर्म बचा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे धर्म का जीन ही नहीं बचा है। हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारे गाड़ी की चाबी ही नहीं है, की गॉड जीन की जो है वो की नहीं तुम्हारे पास, तुम क्या हो? तुम नास्तिक बन चुके हो, तुम ट्रांस ह्यूमंस के फर्स्ट फेज में जा चुके हो, अब बस न्यूरालिंक लगाने की तुमको राह है। और ऐसे 90 करोड़ लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आंदोलन करें। जिन नेताओं को खुद को कृषि बिल नहीं समझा, उनको मेरे को कृषि बिल समझाना पड़ा, उसके 15 दिन बाद ये आंदोलन कर रहे हैं। इन बेरोजगारों को अग्निवीर नहीं समझा, इनको जब समझाने के 4 दिन बाद इनको समझा अग्निवीर क्या अच्छी नहीं कर रहा है। कल के ही पेपर में आया था रेपो रेट 16-17% पे जा रहा है। क्या है रेपो रेट? महंगाई का तुम्हारा जो ब्याज दर है
वो वहाँ पे जा रहा है। और एक बहुत बढ़िया न्यूज़ थी कि ये जो दास है आरबीआई का गवर्नर, उसने कहा बहुत खुशी की बात है, भारत का जो महंगाई दर है वो अब रुक गया है, अब भारत महंगाई में नहीं जाएगा। इतिहास के प्रोफेसर, इतिहास के पीएचडी होल्डर, तू इकोनॉमी की बात कर रहा है, तू इकोनॉमी की बात कर रहा है, इसलिए मेरे से डॉक्टर को आके लोगों को इकोनॉमी समझानी पड़ रही है। तेरा इतिहास का सब्जेक्ट था जाके मौर्य साम्राज्य ये वे वो, मोदी के सामने जाके ये मुगलों का ये करने का ना, कहाँ गवर्नर में आ गया तू और आके हमको बता रहा है। ऊपर से हाइट हो गई है, फोर्ब्स के यादी में सबसे इंप्रेसिव यादी में सीतारमण का नाम आ गया, अब तो ये हाइट होगी भाई साहब, यार ये तो बहुत ही ज़्यादा हाइट होगी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है उसकी लड़ाई कोई तुम्हें और दूसरा के लड़ेगा। भाई तुम्हारे कॉलेज में तुम एग्जाम देने जाते थे, कॉलेज में एग्जाम देने जाते थे, स्कूल में एग्जाम देने जाते थे, तुम्हारा पेपर कोई और आके लिखता था क्या? तुम्हारी एग्जाम तुमको देनी पड़ती थी ना। तो ये लड़ाई भी तुम्हारी लड़ाई को और आके लड़ लेगा, बोलोगे नहीं आज मेरा पेपर में पढ़ाई नहीं हुई है तो मैं आज जाके सिर्फ आधा ही पेपर लिखूंगा, यानी 4 दिन करूंगा, 10 दिन करूंगा, 15 दिन करूंगा, क्या हो गया, फेल हो जाओगे पूरा पेपर लिखोगे तो। सीधी बात है, पूरे आंदोलन में नहीं आओगे, तुम्हारे कर्मा पे वो एनर्जी रहेगी, वो जो है कार्मिक एनर्जी, वो किसी की मोहताज नहीं है, वो डिवाइन जो है, वो क्या बेवकूफ आदमी नहीं है, तुम लोगों को बेवकूफ बना लोगे। पैसे देके पुजारी को बोलेंगे ये पूजा कर ले, वो पूजा कर ले और मेरे पापों को धो डाल, वो पुजारी तुमको बेवकूफ बना देगा, हाँ मैंने कर दी पूजा, तुम्हारे पाप धुल गए, कैसे धुलेंगे, बेवकूफ बना रहे, किसको बेवकूफ बना रहे हो, उस डिवाइन को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारे पूर्व जन्म, इस जन्म, अगले जन्म सब उसको पता है, उसको बेवकूफ बना रहे हो। ये लोग क्यों मुझे आने नहीं दे रहे आगे फ्रंट पे, यही रीजन है ना, ये लोग कोई तो भी एक चीज के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, और हम तो ऐसे हैं कि वो अपना जो यादव है ना अपना 360 डिग्री खेलने वाला, उस तरह से मैं फटके मारता हूँ इनके, तो इनको डर लगता है साला ये कहीं अपने ये पूरा का पूरा जो है